एंटी नार्कोटिक सेल के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। 703 किलो के ड्रग्स जब्त किए हैं जिनकी कीमत 1403 करोड़ बताई जा रही है और ये सभी आरोपी नालासोपारा मानखुर शहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये सभी आरोपी वहीं से अलग अलग जगहों पर ड्रग्स को ले जाया करते थे, सप्लाई करते थे। मुंबई एंटी नार्कोटिक सेल लगातार इनकी तलाश कर रही थी क्योंकि 25 किलो से ज्यादा मात्रा में ये अलग अलग जगहों पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। आखिरकार मुंबई एंटी नार्कोटिक सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इन आरोपियों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर अब NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आरिन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।